आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय वायुसेना के लिए बनाए जाने वाले फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट आमका के बारे में। इस वीडियो के दौरान हम लोग एसएच प्रोजेक्ट के बारे में नहीं बल्कि एक नए सेंसर के ऊपर बात करेंगे जिसके ऊपर अभी रिसेंटली काम शुरू हुआ है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम के बारे में। ये जो सेंसर अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये आमतौर पर फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर देखा जाता है और अब हम लोग अश्योरिटी के साथ में आपको बता सकते हैं कि भारत के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के ऊपर ये सेंसर होने वाला है। अभी तक अलग अलग एग्जीबिशंस पे जो भी इमेजेस हम लोगों ने आमका की देखी थी वहां पर इसके ऊपर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम नहीं था और बीच में एक इमेज निकल कर आई थी जहां पर इसके ऊपर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की जगह दो इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक डिवाइसेस लगे हुए थे, एक ऊपर की तरफ देखता हुआ और दूसरा नीचे की तरफ देखता हुआ। इस फोटोग्राफ के बाहर निकलने के बाद में बहुत सारे लोग मेरे ऊपर नाराज हुए थे और इनकी नाराजगी के पीछे सबसे बड़ा कारण था कि ये इन्फॉर्मेशन सबसे पहले हम लोगों ने ब्रेक की थी कि आमका के ऊपर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक नहीं इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होगा जैसा कि F-35 में देखा जाता है। बाद में हमारी टीम के हाथ लगी थी ये फोटोग्राफ जिसमें आप इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम देख सकते हैं लेकिन ये टेस्ट बेड के ऊपर माउंट किया जाना था। वैसे तो ये फोटोग्राफ काफी थी ये चीज अश्योर करने के लिए कि AMCA के ऊपर ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम डाला जाएगा, लेकिन अभी तक हमारे हाथ में स्टेटमेंट ऑफ वर्क नहीं लगा था। अब हम लोग 100% अश्योरिटी के साथ में कह सकते हैं कि आमका के ऊपर ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होने वाला है और इसको DRDO की लैब IRDE द्वारा बनाया जा रहा है। हालांकि पहला प्रोटोटाइप जो साल 2028 में अपनी पहली उड़ान भरेगा उसके ऊपर शायद ये ना हो, लेकिन इवेंचुअली जो एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल किए जाएंगे उनके ऊपर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम होने वाला है। आमका के ऊपर जाने वाले इस सेंसर के बारे में डिटेल में बात करने से पहले दूसरे एयरक्राफ्ट के बारे में बात कर लेते हैं जिनके ऊपर ये सेंसर है और ऐसे फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट जहां पर दूसरी अप्रोच यूज की जा रही है उसको भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस सेंसर को F-35 लाइटनिंग 2 के ऊपर देखा गया था और फिर बाद में चाइनीज J-20 में भी इसको अकोमोडेट किया गया था। F-35 और J-20 में इसको कॉकपिट के बिल्कुल नीचे रखा गया है, वहीं टर्किश कान में भी इसको अकोमोडेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि कान में इसको ऊपर की तरफ रखने की कोशिश की गई है और अभी तक उनका ये सेंसर डेवलप नहीं हुआ है। प्रैक्टिकली उन्होंने वहाँ पर एक स्लॉट छोड़ा हुआ है जिसमें इवेंचुअली ये सिस्टम जाएगा। वैसे अगर दुनिया के सबसे कंप्लीट फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट की बात की जाए यानी कि F-22 रैप्टर की, तो उसमें ना ही इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम और ना ही इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक को रखा गया है। वहीं अगर बात की जाए रशिया के फिफ्थ जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट SU-57 की, तो इसमें इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक रखा गया है और कुछ इसी तरीके से इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक कोरियन KF-21 में भी रखा गया है। नेचुरली इन दोनों ही फाइटर जेट्स को ग्राउंड अटैक के लिए लेजर डेसिग्नेटर पॉड्स को कैरी करना पड़ेगा जो नेचुरली कंसील्ड नहीं होगा और उसका रेडार सिग्नेचर काफी बड़ा। साथ ही अगर इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक की बात की जाए तो ये स्फेरिकल बॉल एक बहुत बड़ा रेडार क्रॉस सेक्शन रखती है। इसके अलावा ये ड्रैग भी ऐड करती है। अगर आप F-35 लाइटनिंग 2 में यूज होने वाले इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम की बात करें तो यह प्रैक्टिकली लेजर डेजिग्नेटर पॉड और इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक दोनों के फंक्शंस कर सकता है, यानी कि पैसिव तरीके से हवा में टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, उनको ट्रैक कर सकता है और वेपन सिस्टम्स गाइड कर सकता है। ऐसा करते समय ये किसी भी तरीके की रेडिएशन एमिट नहीं करता है और इसी वजह से एयरक्राफ्ट की पोजीशन की जानकारी एनिमी एयरक्राफ्ट के पास में नहीं जाती है। टर्किश कान में इस सिस्टम को ऊपर की तरफ डालने का लॉजिक थोड़ा फ्लॉड है क्योंकि अब वो इसका प्रयोग करते हुए लेजर डेजिग्नेटर पॉड का काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ठीक है, टर्की की अपनी खुद की रिक्वायरमेंट होगी और उन्होंने कुछ और स्टडी किया हो। आमका के ऊपर जाने वाले सिस्टम को लेकर IRDE की तरफ से डिजाइन तैयार कर लिया गया है और अब वो एक प्राइवेट पार्टनर ढूंढ रहे हैं जो इसको रियलाइज करेगा। चांसेस हैं कि DRDO की लैब LRDE की डिजाइन के बेसिस पर इसको टॉनबो इमेजिंग द्वारा रियलाइज किया जाएगा, लेकिन अभी वो चीज कंफर्म नहीं है और हमारी टीम इसके ऊपर नजर बनाए रखेगी। वैसे अगर मैं लिबर्टी लेकर एक स्पेकुलेशन करूं तो मैं आपको कहूंगा कि चांसेस है कि आमका के ऊपर दो ऐसे सिस्टम्स होंगे, एक ऊपर की तरफ और दूसरा नीचे की तरफ, लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस चीज को मैं अश्योरिटी के साथ में नहीं कह सकता हूं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।